साथ आप सबके बीच मौजूद थी डॉक्टर शिवा त्रिपाठी। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे प्रभारी निरीक्षक जी हैं और ये पूरा कुनबा मुकम्मल अब कविता सुनने की स्थिति में आ चुका है। मैं आप लोगों की वंदना करता हूँ। शिवा त्रिपाठी जी ने, डॉक्टर नई पांडे जी हैं, वंदना बहुत अच्छी थी। वंदना का मतलब होता है जो कभी बंद, लेकिन इस तरह की वंदना हमको बहुत अच्छी नहीं लगती। जैसे माई, मतलब जैसे घिघियाना ज्यादा हो जाता है माई ऐसे। इस समय अब हम थोड़ा दूसरे टाइप के आदमी हैं, जैसे दिल दिया है जहां भी देंगे। अरे गाना गलत बन गया। अब दिल तो देहन है जहां, मतलब कहे मर मरा चला। गाना होना चाहिए कि दिल दिया है जहां भी लेंगे। बिल्कुल एकदम आदरणीय दरोगा जी तो बैठे हैं, एक जने मेहरी के साथ है, सुने गए कौआली आवा गली बगली झांका लागे भाग गई घरवाली। कि एक जने औरत के साथ है, सुने गए कौआली आ गली बगली झांका लागे भाग गई घरवाली। तो कहा कि जाओ घरे में बैठो, भाग में होई तो आई। का ससुरा रावण बैठा बा जौन की हर ले जाए। कहें कि बाबू डर नाही बा रावण के घर जाने में। कहता हूँ बहु रही हक बहक कर पहुंचाए न थाने। मैं चाहता हूँ प्रभारी जी के लिए जोरदार तालियां आपके बीच। कुछ जीवित आत्माएं इधर उधर भटक रही है, अच्छा सा पड़ोस देख के कुर्सियों पर विराजमान हो जाए। ये कुर्सियां बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। मेरे आदरणीय गुरुदेव कैलाश गौतम जी ने कभी कहा कि जिसको कुर्सी मिली वो गुरु हो गए और खाने पीने के धंधे। कैसी भी कुर्सी हो भाई, माने रखती है और बड़े बड़े को वो अपने पहचान लेते। और डॉक्टर अनिल भैया, आखिर ये कुर्सी है क्या? तो मैंने भी थोड़ा सा कलम बढ़ाई तो मैंने लिखा कि रामायण काल में एक सुरसा थी, बड़ी भयंकरी थी, हनुमान जैसे राम भक्त के समक्ष घोर प्रलयंकरी थी। आप जानते हो या न जानते हो, मैं जानता हूँ। उसी की एक सगी बहन थी, उसका नाम था सुरसी। उसका नाम था सुरसी। आजकल वही लखनऊ दिल्ली तक बन गई है। मैं चाहता हूं आपके आंगन की जो तुलसी की पौध यहां है, उस पौध की प्यारी महक को, उसके अस्तित्व को आपकी इन बेटों ने अभी तक क्या सीखा। कविता के संदर्भ में कहते होन हार विरवान के होत चीकने पात। महोत्सव को सजाने से लेकर, दरी बिछाने से लेकर, कवियों कलाकारों के स्वागत से लेकर, आप सभी अभ्यागतों की अर्चना से लेकर, ये बच्चे जिनका हुनर कविता में भी बोलता है, समाज सेवा में भी बोलता है, ऐसे तीन चार विशिष्ट बच्चे हैं जिन्होंने कविता की दहलीज पर कदम रखा और आज पूरे प्रदेश के कई मंचों की जरूरत बने। मैं बड़े अदब के साथ चाहता हूँ ओज के तेवर से इस मंच का शुभारंभ हो और इसके लिए मैं बबलू सिंह बजियारी को आवाज देता हूँ। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें माइक पर बबलू सिंह बजियारी। मित्रों, चूंकि सुदूर से हमारे बीच में रचनाकार उपस्थित हैं, नांदेड़ से आदरणीय विजय बड़े भाई हेमंत ईमानदार जी इस मंच पे हमारे बीच में इस मंच की गरिमा को गौरवान्वित कर रहे हैं, तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, मैं चूंकि आपके बीच का हूं तो हमें इन अतिथि रचनाकारों को भरपूर सुनना है, तो ज्यादा समय नहीं जाया करूंगा। सिर्फ आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे दादा कृष्णदेव मिश्र कृष्ण जी इस मंच पे विराजित हैं, तो सीधे सीधे आपके श्री चरणों में आप सही साहित्य महोपाध्याय से विभूषित हैं, लापर के रत्न हैं, तो आप इस श्री चरणों में दो पंक्ति प्रेषित करते हुए कि तुम्हारे संस्कारों का कवच पहने चला हूं, कि तुम्हारे संस्कारों का कवच पहने चला हूं मैं, विचारों को तुम्हारे ही सुफल करने चला हूं मैं। क्या बात, तुम्हारे संस्कारों का कवच पहने चला हूं मैं,
विचारों को तुम्हारे ही सफल करने चला हूं मैं, मुझे आशीष देना न भटको राह से अपने, तुम्हारी दीप्ति के दम पर धरने चला, जय 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 तुम्हारी दीप्ति के दम पर। मित्रों, ज्यादा भूमिका में नहीं जाऊंगा, संकेतों से बात करूंगा। प्रयाग की धरती, जिसे आप गंगा यमुना सरस्वती के संगम के रूप में जानते हैं, लेकिन एक छोटे से रचनाकार के दृष्टिकोण से, एक छोटे से कलमकार के नजरिए से इलाहाबाद की धरती में जो सबसे बड़ा तीर्थ है, वहां के एल्फ्रेड पार्क में खड़ा हुआ है, तो उसको नमन करते हुए चार पंक्तियां प्रेषित कर रहा हूं कि जहां खोलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया, कि जहां खोलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया, ये तस्वीरें देख देख कर गोरा शासन दहल गया। कि जहां खोलता खून गिरा तो तस्वीरों में बदल गया, ये तस्वीरें देख देख कर गोरा शासन दहल गया, जहां तुला पर देश सजाया प्राण तक उस पर तौल दिए, अंतिम सांस बजी तो भारत माता की जय, जय जय जिंदाबाद, अंतिम सांस बजी तो भारत माता की जय बोल दिए, और सदा अमर हो, सदा अमर हो, सदा अमर हो, युगो युगो तक यादों में आजाद है, और बलिदानों के उस योगी का धाम इलाहाबाद है, बलिदानों के उस योगी का धाम। मित्रों, बहुत अच्छे, क्योंकि एक नए तरीके की एक शिष्ट रचना आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। अगर आपने इसको परीक्षा में दादा पास कर दिया, आप सभी श्रेष्ठ जन आदरणीय दादा राधेश्याम भारती जी की उपस्थिति इस मंच पे है, तो एक नए विषय पे छोटी सी रचना रख रहा हूं, पहली बार मंच पे पढ़ रहा हूं। अगर आपने इसको जांच दिया, आपने इसमें जो है आशीर्वाद दे दिया, तो देश के बड़े मंचों पे पढ़ने की हिम्मत रखूंगा। तो मित्रों, एक छोटा सा प्रसंग है, आप सभी श्रेष्ठ जन है, विद्वत्त जन है, आपने पढ़ा है कि लंका विजय के बाद जब राम भगवान अयोध्या में आते हैं, तो उसके उपरांत अगस्त मुनि का आगमन अयोध्या में होता है। बिल्कुल अपने विषय से इतर, अपने विधा से इतर रचना रखना चाहता हूं, और हो सकता है कि नई नवेली रचना है, तो कहीं भी आपका अगर कहीं कमजोर पड़ू तो आप तालियों से हौसला दीजिएगा। बिल्कुल सर, तो पहली बार इस मंच पे रख रहा हूं कि अगस्त मुनि और राम का संवाद जो होता है, तो अगस्त मुनि ने बताया, अगस्त मुनि ने कि लक्ष्मण की भूमिका यहाँ पे, लक्ष्मण की महत्ता पे प्रकाश डालना चाहता हूँ, तो बहुत ही शिष्ट और बहुत ही छोटे से विषय से जोड़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। अगस्त मुनि क्या कहते हैं राम से कि सुनो राम, बेशक तुमने इस मानवता पर उपकार किया, कि सुनो राम, बेशक तुमने इस मानवता पर उपकार किया, प्रतिपल हर क्षण हर दुखिया की पीड़ा का उद्धार किया, दस कंधर हो या कुंभकर्ण हो, सब दुष्टों का तुमने नाश किया, और परम प्रतापी परम तेजस्वी जग में तुमने ऐसा नाम किया, कि परम प्रतापी परम तेजस्वी जग में तुमने ऐसा नाम किया, शेषावतार लक्ष्मण ने पग पग तेरा साथ दिया, और मेघनाथ था इंद्रजीत सब वीरों पर जो भारी था, और इंद्र बांधकर लंका नरेश की जिसने लाज बचाई थी, और ब्रह्मा हो या शिष्य प्रेता सबने मुंह की खाई थी, इंद्रजीत अधिकाय सुर हो लक्ष्मण के सब ग्रास बने, और त्याग तपस्या पौरु से लक्ष्मण थे ऐसे खास बने, कि त्याग तपस्या पौरु से लक्ष्मण थे ऐसे खास बने, फिर भी इस धर्म पटल में सबने लक्ष्मण को कमतर क्यों जाना है, कि फिर भी इस धर्म पटल में सबने लक्ष्मण को कमतर क्यों जाना है, और राम राम होता हर क्षण लक्ष्मण क्यों बन जाना है, कि फिर भी इस धर्म पटल में सबने लक्ष्मण को कमतर क्यों जाना है, और राम राम होता हर क्षण लक्ष्मण क्यों बन जाना है, और भाई भाई के रिश्ते को लक्ष्मण ने ऊंचा सब नाम दिया, और 14 वर्षों सोया ना लक्ष्मण ने ऐसा त्याग किया, 14 वर्षों सोया लक्ष्मण ने ऐसा त्याग किया, प्रहरी थे वह कुटिया के निद्रा को जिसने वेद दिया, नेपथ्य नायक थे धर्म युद्ध के ऐसा ऊंचा प्रतिमान दिया, अब जिसने माता सीता के मुख को भी 14 वर्षों ना देखा था। आपने प्रसंग पढ़ा होगा, आप पूरा रामचरितमानस प्रसंग पे जाएंगे तो चीजें आपके बीच में जिसने सचित प्रसारित होने लगी। तब कहना चाहता हूँ जिसने माता सीता के मुख को भी 14 वर्षों ना देखा था, मलयागिर पर जिसने बस माता के नुपुरों को पहचाना था, चरणों का वह साधक जो सदाचार का मानक था, और नैतिकता का अधिनायक जो आदर्शों का परिचायक था, नैतिकता का अधिनायक जो आदर्शों का परिचायक था, सुनो राम लक्ष्मण को 14 वर्षों के उपवासक थे, सच्ची अर्थों में भाई भाई के रिश्ते के वह साधक थे, दिव्य ज्ञान था विश्वामित्र से अनाहार के योगी थे, और मानवता के उन्नायक मर्यादा के सहयोगी थे, कि मानवता के उन्नायक मर्यादा के सहयोगी थे, और हे रघुनंदन, हे रघुनंदन कृष्ण अवतार, जो मर्यादा के प्रतिपालक है, और संबल था छोटे भ्राता का जो जग तेरा आराधक है, संबल था छोटे भ्राता का जो जग तेरा आराधक है, हे सौमित्र तेरे भ्रात धर्म से हमारी आंखों में थोड़ा सा पानी है, और सूरज चांद सितारे तक तेरी अमर कहानी है। तो लक्ष्मण की महत्ता को रखने की दृष्टता किया, नए विषय पे मैंने ध्यान आकृष्ट किया, तो सीधे सीधे दो पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हमारे बीच में श्रेष्ठ हस्ताक्षर लखनऊ से हमारे बड़े भाई शेखर त्रिपाठी जी की मंच पे उपस्थिति है, आदरणीय नागेश सांडिल्य दादा बनारस की और बिहार की संस्कृति को एक साथ लेकर चलते हैं, तो आपके श्री चरणों में पंक्तियां देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हम असीम मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं,
कि मसीह मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं और मिला श्वेत में स्वर्णित को नवरंग सजाया करते हैं। कि मसीह मसीह के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला श्वेत में स्वर्णित को नवरंग सजाया करते हैं और प्यार कपटों से पर बाजों से परहेज नहीं, और भारत की तौड़ाई को हम होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रजबे खेले हैं, हम इसकी रजबे खेले हैं, इसीलिए अभिमानी है हम, धन्य हुए हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम रहे हजारों साल खड़े, हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, कि हम रहे हजारों साल खड़े जब दौर चला तूफानों का, और विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का, कि हम विचलित कैसे कर देगा एक झुंड हमें बेईमानों का। हम दिव्य नहीं है, हम दिव्य नहीं है, हम दिव्य नहीं है दिनकर से, बस एक छोटी सी चिंगारी है। हम जहां खड़े हैं वहीं पे राष्ट्र की असमत की एक पुजारी है।